फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कल्याण ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक के ऊपर हमें कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स दी गई है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दी गई है, इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की तो अब की बार जो टोटल इनकम है वो कैसी है, 55,576 मिलियन, यानी कि करोड़ में कन्वर्ट करें तो 5,557 करोड़ 63 लाख इनकम है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में इनकम क्या थी, 4,563 करोड़ 72 लाख की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इनकम थी 4,387 करोड़ 39 लाख की। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसकी जो इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है आपके बार लगभग 5,535 करोड़ का, जबकि आप लोग देखोगे भी इसके एक्सपेंसिज है जबकि बार एक्सपेंस है वो कैसे हैं, लगभग 5,320 करोड़ के, और प्रीवियस क्वार्टर में जो इसके एक्सपेंस थे वो कैसे अभी 4,380 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,198 करोड़ के एक्सपेंस रहे हैं इसके। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस में हमें जंप देखने को मिला, बट रिवेन्यू अब की बार फिर एक्सपेंस तो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। भाई कितना प्रॉफिट है, चलिए देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब की बार जो प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा अभी वो है 177 करोड़ 55 लाख का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 137 करोड़ 49 लाख का था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करो तो वहाँ पर 143 करोड़ 55 लाख का। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में काफ़ी अच्छा जंप रहा है भाई, ठीक है, उसके प्रॉफिट में सॉरी। इसके अलावा आप लोग देखो कि इसके जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो यहाँ पर देख सकते हो 1.73 रुपये का है, जबकि प्रीवियस में 1.34 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आपको 1.40 रुपये इसका अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी क्या कुछ अनाउंस हुआ ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्या कुछ करते हुए नजर आई है, तो वो यहाँ पर ये जो नोट्स दिए गए ना इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना भी, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिले हैं, आगे क्या कुछ इनका जो प्लान्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है, एक बार पहुँच करके इन्हें पढ़ लेना। तो रिजल्ट है अच्छे, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आई थिंक हमें जो अभी पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए। तो कल बाजार के टाइम, कल मार्केट ओपनिंग पर आप लोग देखोगे इसके जो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है वो हमें बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।